स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के जानवर हैं और उनकी आदतें भी बहुत अनोखी होती है, इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए नया वीडियो जिसका नाम है एनिमल और उनके फैक्ट्स पे। तो आपको पता है बिल्लियां इंसानों से 6 गुना अच्छे से रात में देख सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिल्लियों के आँखों में इंसानों के आँखों से ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें रॉड्स भी कहते हैं। दोस्तों, रिसेप्टर एक ऐसी ऑर्गन्स होते हैं जो लाइट और हीट को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। आर्मेडिलो। दोस्तों, ये जानवर अमेरिका में पाया जाता है। इस छोटे से स्तनधारी जीव की सबसे खास बात यह है कि ये मुसीबत आने पर खुद को आसानी से बचा लेता है। किसी भी बड़े हमले के दौरान ये अपने शरीर को समेटकर एक फुटबॉल के आकार का ढाल लेता है। दोस्तों, इसकी बाहरी त्वचा बुलेट प्रूफ जैकेट जितनी मजबूत होती है, इसीलिए इन्हें बुलेट प्रूफ जानवर भी कहा जाता है। स्लॉथ। दक्षिण मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। स्लॉथ पेड़ों पर लटकते हुए सोते हैं और दिन में 15 से 20 घंटे सोते हैं। दोस्तों, स्लॉथ हफ्ते में एक बार मल त्याग करने के लिए जमीन पर उतरते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि स्लॉथ बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वर्षा वनों में होने की वजह से लटकते लटकते थक जाते हैं तो हाथ में ग्रिप कमज़ोर हो जाती है, तो वह पानी में गिर जाते हैं। तैरने की कला के कारण वह आसानी से तैरकर ज़मीन पर आ जाते हैं। पिग्मी लोरेसिस। ये दिखने में बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं, पर दोस्तों साथ ही ये बहुत खतरनाक और जहरीले भी होते हैं। दोस्तों, ये जो जानवर होते हैं पिग्मीज लोरेसिस, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों में पाए जाते हैं। सूरज ढलते ही ये पेड़ों पर अपने पाँव के सहारे उल्टे लटक जाते हैं और अपने दोनों हाथों से कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं। आउल, जिसे हम उल्लू भी कहते हैं। धरती का सबसे बड़ा उल्लू जो है वो ग्रेट हॉर्न है, जिसका वजन लगभग 2.5 किलो है और पंख 5 फीट लंबे हैं। दोस्तों, आर्कटिक को छोड़ उल्लू हर जगह पाए जाते हैं। लगभग 200 प्रजातियां उल्लू की सारी दुनिया में पाई जाती है। इंसानों से 10 गुना धीमी आवाज़ भी उल्लू सुन सकते हैं। उल्लू एकलौता ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।